Hello everyone, so today we are going to discuss Indian Council Act of 1909, and if you remember correctly, this is third in series of Indian Council Act. The first was Indian Council Act of 1861, then second is Indian Council Act of 1892, and this is the third, right? So I'll highly recommend, if you haven't watched those lectures, you please go to those lectures and watch the provisions at least of those two acts, because this act 1909 is highly built up on those two acts, right? If you do not have time to watch those lectures, I'm also appending the provisions of those two acts. You can read that, you can pause the video, you can read that and then only resume the video. So I hope कि आपने इस वीडियो को पॉज कर लिया होगा एंड दोज टू प्रोविजंस यू हैव रेड. सो विद दिस अजम्पशन आई एम एंटरिंग इनटू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. सो अगर आपने देखा होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड 1892 हैड प्राइमरीली फोकस्ड ऑन रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राइट? बट इन 1909 यू विल फाइंड आउट कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक्सपेंशन पे भी फोकस करेगा, राइट? एंड देर आर फ्यू सेपरेट फ्यू डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स ऑफ दिस एक्ट एज वेल, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. सो एज हैज बिन आवर पैटर्न दैट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, बिकॉज इट इज माई बिलीफ कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट उस टाइम इंडिया में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या चल रहा है, राइट? इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग फर्स्ट बिफोर, बिकॉज आई हैव सीन फेलो एस्पिरेंट्स कि वो प्रोविजंस को याद कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते, मींस मैक्रो पिक्चर नहीं देखते, एंड द रिजल्ट इज कि एवरी 20 डेज और एवरी 30 डेज यू हैव टू गो बैक टू योर नोट्स और फिर उस प्रोविजंस को याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है. तो अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को समझा है तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक कहानी की तरह वो एक्ट याद हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट 1909's कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो 1905 में जाते हैं. सबसे पहले यू हैड बंगाल पार्टीशन, और उस बंगाल पार्टीशन ने क्या किया है कि एक यूनिटी, जो मेजर टू डोमिनेंट रिलीजन इंडिया में हैं, राइट, हिंदू एंड मुस्लिम, बंगाल साइड की बात मैं कर रहा हूँ, राइट? यू हैव सिख रिलीजन इन पंजाब एज वेल, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बंगाल रीजन, ठीक है? तो बंगाल का पार्टिसिपेशन हो चुका है, और उस बंगाल पार्टिसिपेशन ने एक यूनिटी, एक कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो प्रमोट किया है, बिकॉज स्वदेशी आंदोलन भी उसके बाद बंगाल पार्टीशन के बाद होता है, राइट? तो ये दोनों जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो एक साथ आके स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट करती है, राइट? तो इस कॉमन ब्रदरहुड को कहीं ना कहीं तोड़ना होगा अगर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को सर्वाइव करना है. तो इसका भी एक इंग्रेडिएंट आप प्रोविजन में देखोगे कि कैसे कॉमन ब्रदरहुड पे, या फिर कैसे इस यूनिटी को ब्रेक करेगी बाय ब्रिंगिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म इनटू दिस एक्ट, राइट? तो प्रोविजंस में डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. द सेकेंड कॉन्टेक्स्ट इज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लिबरल्स हैं, राइट, कांग्रेस में बहुत सारा एक 80% ग्रुप है जो कि लिबरलिज्म में बिलीव करता था, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फाइंस में रह के, लॉ के कॉन्फाइंस में रह के डिमांड करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करने में बिलीव करता था, राइट? बट बाय 1905 देयर अप्रोच हैड फेल्ड. जो रिफॉर्म उन्होंने मांगे थे कांग्रेस की, इफ यू रिमेंबर 1892 में उनकी दो जो मेजर डिमांड थी, दैट वॉज इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इनटू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड द सेकेंड डिमांड वॉज दैट इलेक्शन शुड बी एक्सेप्टेड एज प्रिंसिपल फॉर इलेक्शन इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट? तो वो डिमांड फेल हो चुकी है, अभी भी नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट? तो उनका जब अप्रोच फेल होता है तो एक्सट्रीमिस्ट का प्रोफाइल जो है वो राइज होने लगता है. यू हैव बाल गंगाधर तिलक, यू हैव अरविंदो, यू हैव मेनी अजीत सिंह, दीज लाइक लीडर्स, राइट, प्रोस्पेरिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ एंड अदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कमिंग अप ऑल ओवर बंगाल, राइट? सो अगर ब्रिटिशर्स को सर्वाइव करना है, राइट, तो उनको इन मॉडरेट्स की प्रोफाइल को रेज करना पड़ेगा, राइट, ताकि एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका प्रोफाइल डाउन जाए, राइट? सो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैव इंडियन काउंसिल एक्ट, और 1909 के प्रोविजंस जब हम लोग देखेंगे तो आप देखोगे कि ये इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं चीजों को एले करने के लिए ये एक्ट आ रहा है, राइट? सो सर्कमस्टेंसेस, डिवीजन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, राइजिंग
tide of nationalism, division of Bengal. So all these things we have discussed, right? So I need not to read. Aap isko padh lena, theek hai? Ye hai Lord Minto, jo us time Viceroy hai. And remember one thing, that this act is also called Minto-Morley reforms. Minto is Viceroy and Morley was Secretary of State at that time. And this act also drives its name from these two people, that is Minto-Morley reform. Minto, Viceroy, and Morley is Secretary of State. So enough of context, right? अब हम लोग provisions पे directly jump करते हैं and provisions discuss करने से पहले एक जो standard approach हम लोगों का रहा है कि carrot and stick policy, हम लोग carrot ढूंढने की कोशिश करते हैं and stick ढूंढने की कोशिश करते हैं because remember Britishers are colonialists, right? वो कोई भी जो आपको reform देंगे, right? उस reform को बिना check किए कुछ ऐसे provisions जरूर डाले जाएंगे जो कि उस reform को check करे, right? वो powers ऐसे ही नहीं दे देंगे, right? तो carrot and stick की policy pursue करते हैं. Carrot अगर आपको गाजर कोई फायदा दिया गया है, right? तो कुछ ना कुछ उसको check करने के लिए डालेंगे. तो हम हमेशा ढूंढते रहेंगे जो भी provisions आएंगे कि क्या carrot था और क्या stick था, right? So let us start with the first provision, right? Size of Indian Legislative Council, ILC, Indian Legislative Council increased to 60. Bahut achhi baat hai. What was this? This was your carrot, right? To ab stick bhi aayega iske saath. So stick is, but official majority was maintained. Damn. So this is the stick. Right? Aapko 60 Indian Council, Indian Legislative Council ka size badha diya. गाजर दिया, लेकिन साथ के साथ ऑफिशियल मेजोरिटी. आई होप यू डू रिमेंबर द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. ठीक है, ऑफिशियल मेजोरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट मेंबर्स होते थे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी ब्रिटिश ओनली, राइट? कभी कभी इंडियंस भी हो सकते थे, राइट? तो यू नीड नॉट टू टेल कि भाई ऑफिशियल ऑफिशियल मेंबर्स वुड ऑलवेज बी ब्रिटिश, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड ब्रिटिश ओनली, राइट? एंड नॉन ऑफिशियल्स वुड बी नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडियंस होते थे. बट जो एक्चुअल डिफिनेशन है ऑफिशियल मेंबर्स एंड नॉन ऑफिशियल की, दैट इज गवर्नमेंट मेंबर एंड नॉन गवर्नमेंट मेंबर. सो दैट इज द डिफरेंशिएशन. नाउ जंपिंग बैक टू दिस एक्ट, राइट? तो आपको गाजर और स्टिक दोनों मिल चुका है, डंडा भी मिल चुका है और गाजर भी मिल चुका है. नाउ द थिंग इज दैट प्रोविंशियल काउंसिल हाउ एवर वर अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो ठीक है, आई एल सी में आपने ऑफिशियल मेजोरिटी रखी, बट प्रोविंशियल काउंसिल में आप हमें प्रोविजन दे रहे हो कि नॉन ऑफिशियल मीन्स मोस्टली इंडियंस जो है वो मेजोरिटी में आए. तो ये क्या था? ये गाजर था, राइट? तो गाजर आया है तो डंडा भी आएगा. एंड डंडा इज दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, राइट? इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है वो नॉमिनेटेड है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, राइट? तो व्हाट वाज दिस प्रोविजन वाज योर स्टिक, राइट? सो यू सी पहली लाइन गाजर, सेकेंड लाइन स्टिक, थर्ड लाइन गाजर एंड द फोर्थ लाइन इज अगेन स्टिक, राइट? सो देखते हैं अगला, राइट? नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इंक्रीज एट बोथ लेवल्स. तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो आप बढ़ा रहे हो एट बोथ लेवल्स, मीन्स एट सेंट्रल लेवल इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल. तो चलो ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छी चीज है, ठीक है? बट हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्टेड मेंबर्स कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, राइट? और थोड़ा सा ये जो ऑफिशियल मेजोरिटी और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को भी एक विजुअलाइजेशन से देखने की कोशिश करते हैं. सो हियर वी डू हैव दिस थिंग, ठीक है? तो काउंसिल मेंबर्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है? सो सी काउंसिल मेंबर्स जो थे वो कुछ कंपोजिशन इस तरह का है. यू हैव एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट? देन यू हैव ऑफिशियल मेंबर्स, मींस मेंबर्स बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट सर्विसेज. देन यू हैव नॉन ऑफिशियल बट नॉमिनेटेड मेंबर्स, राइट? यू रिमेंबर कि भाई यहां बोला गया था कि भाई नॉन ऑफिशियल्स को प्रोविंशियल काउंसिल में मेजोरिटी दी गई. तो ये जो है ये आपके दो मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट? जो कि वॉयसराय और तीन मेंबर्स की बॉडी है, ये काउंसिल मेंबर्स हैं और ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं दोज बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट सर्विसेज, ये एक तरफ, ये दोनों मेंबर्स एक तरफ, और ये इन दोनों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोला जाता है. नॉन ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड एंड नॉन ऑफिशियल्स इलेक्टेड. तो जो इलेक्शंस की बात की गई थी कि कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हैं आपके पास, वो यहां से हैं, राइट? बट द कैच हियर इज
कि जो नॉन ऑफिशियल्स में जो दो टाइप का कंपोजिशन है उसमें कुछ मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, और किस टाइप के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, अगर वॉयसरॉय को नॉमिनेट करना है काउंसिल में, इधर इन प्रोविंशियल काउंसिल और इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो किस तरह के मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, हु आर प्लाइंट टू ब्रिटिश इंटरेस्ट, राइट। आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी एस एन सिन्हा को नॉमिनेट किया जाएगा, और एस एन सिन्हा बाद में जाके उनको लॉर्ड की उपाधि मिलती है, तो लॉर्ड की उपाधि क्यों मिली होगी, बिकॉज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो रहते हुए ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे। इट इज सिमिलरली लाइक रोल ऑफ गवर्नर, आज गवर्नर कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चुने जाते हैं इन द स्टेट्स, अनलेस यू आर प्लान टू द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग पार्टी, राइट, यू वॉन्ट बी नॉमिनेटेड एज गवर्नर, राइट। सो द सेम कॉन्सेप्ट इज हैपनिंग हेयर, यू सेड कि भाई नॉन ऑफिशियल्स को हमने मेजोरिटी दी प्रोविंशियल काउंसिल में, बट उन नॉन ऑफिशियल का जो कॉम्पोजिशन है, जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन चूज कर रहा है, नॉमिनेटेड मेंबर तो आप खुद चूज कर रहे हो, राइट। तो ये जो रेशियो 2:2 है वो 2:2 एक्चुअली नहीं है, दैट इज 3:1, बिकॉज नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम विल साइड विद यू, राइट। तो हमें जो अभी हमें जो मिल रहा है हमारे फेवर के लिए वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे फेवर में, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। और जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं उनका इलेक्शन एक बार देखते हैं कि भाई इलेक्टेड मेंबर्स का इलेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, क्या मतलब मासेज इलेक्ट कर रही है या कुछ और मेथड है, राइट। तो आप इलेक्टेड मेंबर्स के जो नॉमिनेशन है वो आप देखो, ठीक है। तो ये जो लोकल बॉडी जिनको बोलते थे, दैट इज ट्रेडर बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जमींदार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो ये लोग मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते थे, दिस इज योर इलेक्टोरल कॉलेज। सो यू ऑलरेडी हैव अ नैरो बेस जहां मास की पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है, ये जो बॉडीज हैं इलीट बॉडीज हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बना रही हैं, और वो प्रोविंशियल काउंसिल, ये राजा भैया हैं यूपी के एमएलएस, राइट, तो वो प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स को नॉमिनेट कर रही हैं या इलेक्ट कर रही हैं, और वो प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स मिलके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो जो ये इलेक्टेड का कॉन्सेप्ट है इसमें मासेस नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ ये इलीट बॉडीज हैं लोकल लेवल पे, इनको लोकल बॉडीज बोला जाता है, ये सब मिलके एक इलेक्टोरल कॉलेज, एंड देन इलेक्टोरल कॉलेज प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट कर रही है, एंड ये प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर इन टर्न सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हैं, ये ILC के जो मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट कर रही है। सो कैन दिस बी कॉल्ड इलेक्शन, बिकॉज जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, राइट, हम तो इलेक्शन इसको जानते हैं ना, सो द मेंबर्स जो कि यहां से आ रहे हैं इस प्रोविंशियल काउंसिल में इलेक्ट होंगे या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्ट होके आएंगे, कैन दे बी कॉल्ड ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, नो, राइट। तो ये इलेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ समझा दिया, आई होप कि भाई आपको अच्छी तरह से, यहाँ टाइम हमने काफ़ी लगाया है बिकॉज 1861 एंड 1892 और आगे भी देखोगे, ठीक है, जब 1919 का एक्ट आएगा, ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करेंगे, ये जो इलेक्शन ये बंदे कर रहे हैं, ये लोकल बॉडी जो पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें थोड़ा सा और मासेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें बोलेंगे कि कुछ लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि कुछ लोग जो अराउंड 4000 या 3000 रेवेन्यू पर मंथ पर ईयर पे कर रहे हैं, या फिर कुछ टाइटल्स जिनके पास हैं, या फिर कुछ क्वालिफिकेशन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब रिफॉर्म इस चीज में करने की कोशिश करेंगे 1919 में, ठीक है, इस पार्ट में, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट जो प्रोविजन है, माइंड यू कि दिस इज ओनली फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, अभी आप आगे देखोगे और भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, मैंने इस पे इतना टाइम इसलिए स्पेंड किया है ताकि आपको विजुअलाइजेशन
हो जाए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, ऑफिशियल मेंबर्स क्या है, नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या है, नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को बस विजुअलाइज करवाने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम इस पर स्पेंड किया है। सो आई होप फर्स्ट प्रोविजन पे आपकी क्लैरिटी होगी। फर्स्ट प्रोविजन टॉक्ड अबाउट एक्सपेंशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का साइज, दैट इज 60, ठीक है। फिर वहाँ ऑफिशियल मेजोरिटी रखी गई, प्रोविंसेस में अलाउ किया गया कि भाई नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आप कर लो, ठीक है, लेकिन वो उसके मोस्ट ऑफ मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड थे, ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर्स का थोड़ा सा मतलब नंबर्स जो हैं सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंसियल लेवल दोनों लेवल पे थोड़ा सा बढ़ाया गया, दैट इज ऑल। सो दैट इज अबाउट द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड प्रोविजन, and the second provision is, if you remember, in 1892 two rights had been extended on a budgetary front to Indian Legislative Council member, and those two were that they can discuss the budget and they can ask one question to the executive, right? Supplementary question ka right nahi tha, amendment ka right nahi tha, aur resolution move karne ka right nahi tha. To wo rights inko yahan diye ja rahe hain, theek hai. Aap separate item pe, separate budget items pe aap वोटिंग कर सकते हो, रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट? तो बजट वाले जो बजट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना। 1892 में मैंने सेपरेटली किस तरह से बजट का इवोल्यूशन हुआ है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स के पावर के विज़ राइट, वो मैंने दिखाया था, तो वहां अपडेट कर लेना कि अब पावर में क्या इंप्रूवमेंट हुई है, राइट। नाउ वी विल मूव टू third provision of the act, and the third provision is that association of one Indian member to the executive council. If you remember, in 1861 and in 1892 legislative reforms kiye gaye the, legislative council mein sare reform, executive council mein kuch bhi nahi kiya gaya tha, right? So here SP Sinha, one of the Indian SP Sinha is being added to, included into executive council, and this is the first time that in executive council any Indian is being added. In 1919 act, jo ki government of India act hai 1919, usme dekhoge ye ek number ko badha ke there are three Indians that will be included. Aur abhi executive council ka size kya hai, 3 members hai. So out of 3 members, one is Indian, right? 1919 में इस नंबर को 6 किया जाता है और 3 मेंबर जो होंगे इंडियंस होंगे, राइट। द फोर्थ प्रोविजन इज, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करने से पहले, कि बंगाल में यूनिटी एक फॉर्म हो गई थी दो मेजर डोमिनेंट रिलीजन के बीच में, एंड दैट वाज हिंदू मुस्लिम, राइट। तो उस यूनिटी को ब्रेक करना है, और उस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जा रहा है, राइट। सो रिमेंबर कि कॉन्टेक्स्ट से ही आपके प्रोविजंस ड्राइव होंगे, राइट। आपने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स डिमांड किए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म्स मिल रहा है। आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिफॉर्म्स डिमांड किए, आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिफॉर्म मिल रहा है। आपने ज्यादा यूनिटी दिखाई, दैट यूनिटी कुड हैव एंडेंजर्ड द कॉलोनियलिज्म, राइट, तो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है, राइट। सो सब कुछ कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, सब कुछ किस बैकड्रॉप में एक्ट आ रहा है, राइट। उस बैकड्रॉप को अगर आप समझ गए तो प्रोविजंस का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, राइट। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी है इन तीन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। नाउ ये थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्मेट में, आपको बॉक्सेस के फॉर्मेट में जो प्रोविजंस है वो रिवीजन के टाइम पे जो हेल्प करेगी, तो इसके लिए डाल दिया गया है। एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, राइट। तो साइज ऑफ आईएलसी इंक्रीज्ड, 60 कर दिया गया, राइट, बट ऑफिशियल मेजोरिटी, ठीक है। प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बट नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी, नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी मींस नॉमिनेटेड जो लोग हैं वो ज्यादा हैं देन इलेक्टेड, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ वन इंडियन टू वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, एस एन सिन्हा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का राइट दिया क्या, यस दिया। रेजोल्यूशन मूव करने का राइट इस एक्ट ने दिया, एंड सेपरेट आइटम पे वोटिंग करने का राइट भी इसने दिया, राइट। और जो सबसे लास्ट का था, दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम दे दिया गया, ठीक है। आगे आने वाले एक्ट्स में आप देखोगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को
जो है एक्सटेंड किया जाता है अदर रिलीजन्स के लिए, अदर कम्युनिटीज के लिए एज वेल. सो आई होप कि आपका रिवीजन हो गया होगा इस एक्ट का. ठीक है, अब हम लोग जो मूव करेंगे, मूव करते हैं हम लोग असेसमेंट की तरफ. राइट, तो असेसमेंट भी हम लोग ऑलरेडी जब हर प्रोविजन को क्रिटिक कर रहे थे तो ऑलरेडी वी हैव सीन इट इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ दैट असेसमेंट. सो दिस एक्ट इज ट्राइंग टू सेपरेट मॉडरेट्स फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि भाई जरूरी है कि मॉडरेट्स के प्रोफाइल को बढ़ा ऊपर किया जाए, और उस ऊपर करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, मॉडरेट्स जो डिमांड कर रहे हैं एटलीस्ट उसका पार्शियल फुलफिलमेंट करना पड़ेगा ताकि एक्सट्रीमिस्ट उनको क्रिटिसाइज ना कर सके. राइट, मॉडरेट्स पीपल के बीच में जाके एक्सप्लेन कर सके कि हाँ भाई हमने जो मांगा था पार्टली वी हैव गॉट दैट. राइट, सो दिस इज फर्स्ट प्रोविजन. सेकेंड प्रोविजन इज दैट कम्युनलिज्म वॉज फैंड थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट. राइट, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, क्या किया अल्टीमेटली कि एक फीलिंग को प्रमोट किया कि योर इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज. राइट, तो आप पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो जाओगे अगर आप न्यूमेरिकली इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में स्ट्रोंगर नहीं हो. सो इट इज नेसेसरी कि आपके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है. राइट, और दिस विल इवेंचुअली कल्मिनेट इनटू जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान. राइट, लेटर स्टेज पे. ठीक है, तो सेकेंड असेसमेंट भी हो गया. INC डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट एंड दे गॉट बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म. सो आई होप कि इस पे भी आपको क्लैरिटी है. एंड द फोर्थ इज दैट सटल अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी. राइट, आप सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे हो बट मिल क्या रहा है आपको, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी. ठीक है, आई नीड नॉट टू गो इनटू दिस डीपर बिकॉज पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है. प्रोविंसेस वर क्लेम्ड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बट अमंग दैट ऑफिशियल मेजोरिटी मेनी वर नॉमिनेटेड. ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, ये नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आप कह रहे हो कि हम दे रहे हैं बट उनमें से आधे से ज्यादा मेंबर्स तो नॉमिनेटेड है, आप लोगों ने ही नॉमिनेट किया हुआ है. राइट, सो लीविंग नॉन इलेक्टेड एज मेजोरिटी. सो आई होप कि असेसमेंट के जितने भी प्रोविजन है वो आपको क्लियर होंगे. राइट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड इज नथिंग बट किस तरह से ये तीनों एक्ट, बिकॉज दीज थ्री एक्ट्स आर कॉन्सोलिडेटेड. राइट, और इसको जब भी आप पढ़ें आई रिकमेंड कि इन तीन एक्ट्स को, ठीक है, एक साथ पढ़ें बिकॉज इन तीनों एक्ट्स में लिंकेजेस हैं. देन दीज ऑल दीज थ्री एक्ट आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स. राइट, तो पहले 1861 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, देन 1892 में उसी रिफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा और रिफॉर्म हो रहा है, एंड 1909 में फिर से रिफॉर्म हो रहा है. ठीक है, और जब नेक्स्ट एक्ट 1919 पढ़ें तो उसके साथ 1935 पढ़ें. सो दिस शुड बी योर अप्रोच. राइट, सो डिस्कस करते हैं कि किन किन पैरामीटर्स पे इन तीनों एक्ट्स को जज करना है. राइट, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह से चेंजेस आए थ्रू आउट दिस 30-year पीरियड. ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह से चेंजेस आए हैं, देन बजटरी फंक्शंस जो हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं इन तीनों एक्ट में. ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस एक्ट ने क्या चेंज किया है. तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं. 1861 में क्या हुआ, थ्री इंडियन मेंबर्स को राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, राइट, उनको नॉमिनेट किया वॉयसरॉय ने. राइट, और उसको राइट दिया गया वॉयसरॉय को कि 6-12 एडिशनल मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप ऐड कर सकते हो. दिस इज थ्रू 1861. राइट, इन 1892 क्या हुआ कि भाई इंडियंस को इंक्रीज किया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बट ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी रखी गई. और 1909 में साइज तो इंक्रीज किया गया बट अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी है. तो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कि भाई तीनों एक्ट्स में ऑफिशियल, वन थिंग दैट इज कॉमन इज दैट ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज मेंटेन्ड. ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो 1861 में दो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दो प्रोविंसेस के लिए बनाए गए, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस. ठीक है, 1892 में इन इंडियंस का जो नंबर था, राइट, वो बढ़ाया बट अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन किया. मीन्स 1892 में दोनों में इंडियंस के नंबर थोड़े से बढ़ाएं,
ठीक है, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी मेंटेन्ड है. 1909 पे थोड़ा सा और दबाव पड़ता है तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ये ऑफिशियल मेजोरिटी रखते हैं, बट प्रोविंसेस में थोड़ा सा अलाउ करते हैं कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, जो कि मोस्टली इंडियंस होंगे, ठीक है, उसको अलाउ किया कि मेजोरिटी आप रख लो. ठीक है, बजटरी रिवोल्यूशन के लिए 1861 में कोई बात नहीं की. ठीक है, 1892 में दो प्रोविजन, दैट इज डिस्कशन एंड राइट टू एड्रेस वन क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव दिया, सप्लीमेंट्री कर नहीं दिया. ठीक है, और वो चीज 1909 में पूरी हो रही है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का राइट आपको दिया जा रहा है, वोटिंग ऑन सेपरेट आइटम का राइट दिया जा रहा है, और आप रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो, इसका राइट भी आपको दिया जा रहा है. तो दिस इज अबाउट इवोल्यूशन ऑफ बजट इन दीज थ्री काउंसिल एक्ट. नाउ द लास्ट इज कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है रिफॉर्म, राइट, वो इन तीन एक्ट्स के थ्रू कैसे हुआ है. तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में ना तो 1861 में बात की गई, ना ही 1892 में बात की गई. द ओनली रिफॉर्म दैट यू विल सी इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विज अ विज दिस थ्री एक्ट्स इन 1909 एंड इन 1909 एक इंडियन को इलेक्ट किया नॉमिनेट किया जाता है, राइट, इन 1909. सो दिस हैज बीन ऑल अबाउट 1909 एंड कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री एक्ट्स. सो आई होप कि आपको इन तीनों एक्ट्स पे अब क्लैरिटी होगी, एंड स्पेशली 1909. इफ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट.